हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल तनिरिकाट। आप लोगों ने कल मेरी लाइव वीडियो देखी होगी, लाइव वो आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। और आज मैं आप सभी के लिए फादर्स डे का ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। ये मेरी 6th क्लास है। आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। अगर कुछ नहीं भी आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करके कमेंट बॉक्स में डाल दें। इसके लिए मैं आइवरी शीट ली है, 1/4 साइज, ऑयल पेस्टल कलर, स्केच पेन, पोस्टर कलर ब्लैक कलर और वाइट कलर, टिश्यू पेपर और स्केल, पेंसिल कलर्स और पेंसिल इरेजर, स्केल, पेंसिल इरेजर। और मैं जैसा कि मैंने पहले बताया था, उसी तरह से कर्व, स्टैंडिंग और स्लीपिंग और सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, इन सभी से कुछ शेप्स बनाने हैं। और पहले भी बताया था, अब मैं कर्व लाइन से लीफ बताने वाली हूँ कि लीफ कैसे बनाई जाती है। उम्मीद है आप लोगों को कुछ समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आए तो प्लीज़ कमेंट करना। एक कर्व लाइन से लीफ बनाऊंगी जो कि बहुत इजी है। और फादर्स डे का जो कार्ड बनाएंगे उसमें भी लीफ्स और फ्लावर्स बनाएंगे और सुंदर कार्ड बनाएंगे। बच्चों के लिए इजी भी रहेगा और अच्छा भी लगेगा। प्लीज़ आप सभी ट्राई करना कि आप सभी को समझ आए तो फादर्स डे पे अपने अपने फादर्स को सभी ये गिफ्ट करना। और फिर कमेंट करके बताना कि आप सभी के फादर्स को कैसा लगा। इस तरह से कर्व लाइन बनाएंगे। कर्व लाइन में सेकंड कर्व लाइन, और जहाँ तक है सभी ड्राइंग इन्हीं कर्व लाइन से बनती है। अब इसके नीचे भी कर्व लेके और इस तरह से मिला देंगे। आप सभी ने देखा होगा लिप्स की कुछ डिजाइंस ऐसे ही होती हैं, तो प्लीज़ ट्राई करके देखना आपसे बनती है नहीं बनती। अगर नहीं बनती तो मैं फिर से ट्राई करूँगी इस तरह से। इस तरह ये लिप की डिज़ाइन बन गई है। फ्रेंड्स, आप सभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन दबाना, जिससे कि आपको सबसे पहले मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। एक लीफ इस तरह से होती है जो कि कटिंग टाइप में होती है इसकी डिज़ाइन। तो इस लीफ को थोड़ा ये छुप गई कैमरे में, अभी मैं दोबारा बता रही हूँ। इस तरह से ये वो स्लीप को बनाने का दूसरा आइडिया है। एक तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं और दूसरा इस तरह से बना सकते हैं, एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर मिला के। इस तरह से ये दूसरी डिज़ाइन की लीप बन गई है। अब मैं सर्कल से और हाफ सर्कल ओवल शेप से मैं फ्लावर्स बना रही हूँ जो कि इस तरह बनते हैं। इसमें कर्व लाइन ज़्यादा यूज में आती है। ये एक फ्लावर ऐसे है, इसमें दूसरा तरीका भी बताऊंगी, बीच में सर्कल बना के फ्लावर बनाना इस तरह लाइन से फ्लावर फिल करेंगे इस तरह से। दूसरी डिज़ाइन फ्लावर के
ये हार्ट शेप में भी फ्लावर्स होते हैं इस तरह से। मैं बता रही हूँ कि बीच में अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा या फिर समझ नहीं आया तो आप इस तरह कैसे भी बना सकते हैं। बीच में सर्कल बनाओ, फिर हर फ्लावर की हर लीफ सर्कल से टच करते हुए इस तरह से बनाएं। सर्कल बना के बनाने से फ्लावर एक जैसा बनता है पूरा। तो आप सभी सर्कल से ही ट्राई करें। इस प्रकार बन गया। इसमें मैं दो तीन तरीके बताऊंगी कि फ्लावर में शेडिंग कैसे करते हैं। ये कर्व टाइप में है और ये सबसे पहले इसमें बड़ी लाइन करेंगे, बड़ी से फिर छोटी करते करते लेके आएंगे इस तरह से। ये कर्व है, एक ये है जो कि एक जैसी पूरी बनानी है। अब हम इन्हीं तीनों डिजाइन को अपोजिट में कर सकते हैं। ये फर्स्ट में जो बताया था कर्व वाला, ये उसी के अपोजिट है। इसमें सर्कल की साइड से स्टार्ट की थी शेडिंग, अब इसमें लीफ के एंड से स्टार्ट कर रहे हैं कुछ इस तरह। ये सेकंड वाली शेडिंग की जैसे है। और ये थर्ड वाली, मुझे उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। इसमें सिक्स टाइप से दिखा दिया कि सिक्स टाइप से आप फ्लावर्स की शेडिंग कर सकते हैं। अब मैं फादर्स डे के लिए कार्ड बनाने जा रही हूँ। उसमें मैंने A4 साइज की आइवरी शीट ली है। आप कोई भी वाइट पेपर ले सकते हैं जो कि आपके पास अवेलेबल हो। अब इसको सेंटर में से फोल्ड किया है। इस तरह से फोल्ड करेंगे इस तरह से। फिर हम इसके फ्रंट वाले जो फ्रंट पेज है उस पे हम पहले ड्राइंग करेंगे। मैं स्केल यूज में ले रही हूँ थोड़ा जल्दी के लिए। आप भी चाहें तो स्केल ले सकते हैं, पर कोशिश करें कि बिना स्केल के ही ट्राई करें। इस तरह से हमें पूरे पे बॉर्डर बनाना है ब्लैक स्केल से। ये देखो, अब मैंने चारों तरफ बॉर्डर बना दिए चारों को। अब एक कॉर्नर, दो कॉर्नर में हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। ये हार्ट शेप वाली अभी बताया था मैंने फ्लावर्स में हार्ट शेप वाली, तो ये हाफ फ्लावर दिखा रहे हैं। और इसी के टच में हम सेकंड फ्लावर बनाएंगे। तो इस तरह ऐसे ये बन गया। अब इसमें मैं कुछ लीफ्स बना दूंगी।
ये मैंने लीव्स बना दी हैं। इसमें हम लिखेंगे हैप्पी फादर्स डे, बीच में जो स्पेस रह जाएगा उसमें लिखना है हैप्पी फादर्स डे, वो मैं स्केच पेन से बनाऊंगी। मैंने शायद बताया नहीं कि इसमें स्केच पेन भी यूज में ले रही हूँ। अब उसी के अपोजिट कॉर्नर में डिज़ाइन बनाएंगे। मैं ये अपने मन से और बच्चों का सोच के कि वेरी इजी बनाना है, उन्हें बहुत इजी बन दिखाना है कि वो अच्छे से अपनी कोशिश कर सकें। तो आपको अगर और अच्छा आता है तो आप खुद के मन से ट्राई कर सकते हैं। बन गए। ये बन गया है। दोनों अब ये जो बीच का स्पेस है इसमें लिखेंगे हैप्पी फादर्स डे, या फिर आपको जो भी लिखना है। फ्रेंड्स आपको लेटर्स, 3D लेटर्स कैसे लिखने हैं ये सब सीखना है तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके बता देना, मैं वीडियो बनाऊंगी और आप सभी तक पहुंचाऊंगी कि लेटर्स कैसे कर लिखते हैं। इस तरह से ये हमारा पेंसिल से ड्रॉ हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हम इरेजर से इसको लाइट लाइट इरेज करेंगे। जैसे कि हम इसमें शेडिंग करें तो फिर ये ब्लैक ब्लैक दिखे ना। मैं इसमें ब्लैक कलर से आउटलाइन कर रही हूँ। मैंने पेंसिल कलर यूज में लिए हैं इस तरह से। अब मैं इसमें फिल करूंगी। सबसे पहले मैं जो मैंने बताया था फ्लावर के बीच में सर्कल होता है, उन सभी सर्कलों में मैं येलो कलर यूज में ले रही हूँ इस तरह। अब मैं मैंने ऑरेंज और डार्क ऑरेंज और रेड कलर यूज में लिया है, पहले मैं लाइट कलर यूज में ले रही हूँ। आप सभी भी ये चीज़ ध्यान रखें कि जब भी हमें कलर करना है तो सबसे पहले लाइट और डार्क में से लाइट कलर यूज में लेना है, उसके बाद ही डार्क कलर अप्लाई करें।
मैं लाइट पिंक और रेड कलर लिया है। ये हो गया। अब लीफ में ग्रीन, डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन। इस तरह से पहले सिंगल कलर जो भी आपको पसंद हो, मैंने ग्रीन और रेड यूज में लिया है, तो पहले सिंगल कलर से कलर करो, फिर जो भी पसंद हो कॉम्बिनेशन देख के आप हाईलाइट करो उसी के ऊपर, तो बहुत सुंदर लगता है जैसे कि मैंने लिखा हुआ है। आप भी प्लीज़ एक बार ट्राई करके देखना। इसमें हम और भी डिज़ाइन बढ़ा सकते हैं, स्पेस के अकॉर्डिंग जितना स्पेस है उतने ही डिज़ाइन बढ़ा सकते हैं इसमें, इस तरह। इस तरह से कोई भी जो भी आपके माइंड में हो वो डिज़ाइन डाल देना। ये फ्रंट कवर इसका बहुत सुंदर लगेगा, जो मैंने फर्स्ट पेज बनाया है इसका बहुत सुंदर है। प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको ये कैसा लग रहा है। फ्रेंड्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इंस्टा आईडी है तनेरिका5, प्लीज़ फॉलो कर देना। इसमें लिखना है आई लव यू पापा, और आपको जो भी अपने दिमाग में हो कुछ भी लिखना हो वो लिख सकते हैं। मेरे दिमाग में फ़िलहाल यही आया। इसमें हम छोटे छोटे से फ्लावर बनाएंगे जहाँ स्पेस दिख रहा है उसमें, कि थोड़ा ये भरा भरा लगे इस तरह से। इसमें मैं ये पूरा मैंने रेड से बनाया है, ग्रीन कलर मैं पिछले वाले में यूज ले चुकी, तो इसमें मैं येलो कलर यूज में लूँगी। डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा होता है, येलो रेड का भी अच्छा होता है, तो इसमें हाईलाइट करना है येलो कलर से। ये बन गया है। अब येलो कलर से हाईलाइट करना है, पहले इसको रेड कलर से फिल कर देते हैं। रेड कलर फिल होने के बाद येलो कलर से हाईलाइट करना है, जो कि देखना आप बहुत ही सुंदर लगने वाले हैं। एक दोनों कलर इनका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। इस तरह से सर्कल में येलो, फिर आउटलाइन करनी है, या इसे हाईलाइट बोल दो या आउटलाइन बोल दो। रेड ग्रीन कलर भी बहुत अच्छा लगा था, अब ये येलो और रेड भी बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से बन गया है। बन चुका है। इसमें भी हम येलो कलर से हाईलाइट करेंगे इस तरह से। कैसा लगा? सुंदर लग रहा है ना दोनों कलर? इस फ्लावर में भी हम येलो कलर से ही कर देंगे। डार्क लाइट का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा होता है। ये बन गया।
अब इसका नेक्स्ट स्टेप है जो कि मैं ऑयल पेस्टल कलर से बनाने वाली हूँ, वो भी बहुत इजी स्टेप है, आप ट्राई करना। आपके अगर मेरी वाली डिज़ाइन कम पसंद आए तो कुछ अपनी तरफ से ट्राई कर लेना। ये हो गया, ये हो गया, अब लास्ट बचा है। इसमें मैं ऑयल पेस्टल कलर यूज में लूँगी, जिसमें डार्क रेड, फिर लाइट रेड और लेमन येलो, सॉरी डीप येलो कलर यूज में ले रही हूँ। सबसे पहले डार्क रेड कलर अप्लाई करेंगे। इसमें जितने कलर यूज में लेने उतने पार्ट बना लो कि इस पार्ट इतने जगह तक हमें ये कलर यूज में लेना है, इतनी जगह ये कलर, ये इतनी जगह में ये कलर। अब जैसे मैंने लाइन बनाई है, इसमें डार्क कलर यूज में करना यूज लेना है और इसके नीचे लाइट रेड कलर यूज में लेना है, फिर येलो कलर यूज में लेना है। सेकंड कलर अप्लाई करते समय थोड़ा रेड डार्क कलर के ऊपर से ही करें, जिससे मिक्सिंग अच्छे से आएगी। जैसे कि मैंने येलो दिख रहा है कि रेड के ऊपर से स्टार्ट किया था, इस तरह से हमें टिश्यू पेपर से इसको मिक्स करना है। वाइट कलर से इसमें स्टार्स ये सब बनाने हैं। इस तरह ब्रश को कलर में डिप करके और बनाना है, या फिर टूथब्रश हो तो उससे भी अच्छा सा इफेक्ट आ जाता है। हो गया, अब मैं ब्लैक कलर लास्ट में यूज में ले रही हूँ। ब्लैक कलर से फादर्स और डॉटर की पिक बनाने वाली हूँ ड्राइंग। इस तरह से ब्लैक कलर लग करके, और ये जो कि मैं इसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, इस तरह से बना लेना है। फ्रेंड्स, आपको ये फादर्स डे का कार्ड कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और कुछ मिस्टेक हुई तो नेक्स्ट टाइम मैं ठीक करने की कोशिश करूँगी। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। इस तरह से इसमें हम ब्लैक कलर से एक ग्रास बना देंगे। इसमें ही मैं इसमें मंडला आर्ट वाले डिज़ाइन यूज में ले रही हूँ, जो कि मैंने कुछ दिन पहले आपको बताई थी, शायद आपने सीखा होगा। इस तरह से ये भी सुंदर लगने वाली है डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आपने मेरी परसों की लाइव नहीं देखी तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखना, उसमें मैंने पेंटिंग्स का कलेक्शन दिखाया था। और कमेंट करके बताना आपको वो सभी चीज़ें कैसी लगी, पेंटिंग्स कैसी लगी। कौन सी पेंटिंग कितनी अच्छी लगी, ये सभी प्लीज़ आप कमेंट करके बता देना। इस तरह से कंप्लीट हो गया। थैंक यू मेरी वीडियो वॉच करने के लिए। इसी तरह बने रहिए। बाय बाय।